वो एक बार मानव योनि मिली है, उसे हम शोषण में न जिए। वो जो थैला है वो हमारा जीवन है, और वो जो कंकर है वो हमारे जीवन का एक एक दिन है। हम जागृति के अभाव में, प्रकाश के अभाव में, तमस रूपी भय के प्रभाव में उस समय के मूल्य को नहीं जान पा रहे हैं, और दिन रूपी हीरे को एक एक करके यूं ही फेंकते चले जा रहे हैं। यहां जो लोग बैठे हैं, मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही लोग हमारे संगठन का आगे चलकर प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। जो सोए हुए लोग हैं उनको जगाने वाले हैं, और इस समय रूपी महत्व को बताने वाले हैं। समय के बाद दूसरी जो तत्व है, जो किसी भी संगठन की आत्मा है, वह है एकता। एकता के अभाव में कोई भी रण नहीं जीता जा सकता, और एकता की कमी केवल मेरे हिसाब से एक डेल्यूशन है, एक भ्रम मात्र है। क्योंकि अगर हम ब्रह्मांडीय संरचना को भी देखें तो कहते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। 5 तत्व, पहला पृथ्वी। हम इस पृथ्वी से हर समय जुड़े ही हुए हैं, अभिन्न रह ही नहीं सकते हैं, हर समय जुड़े ही रहेंगे। और यदि इस पृथ्वी से कोई ढेला या कोई मिट्टी का दूसरा कण अगर अलग हो जाता है, तब भी हम उसे पृथ्वी ही कहते हैं। इस तरह से हम पृथ्वी से कभी भी भिन्न है ही नहीं, और जहां तक पृथ्वी है हम पृथ्वी ही हैं, जुड़े ही हुए हैं हर समय। दूसरा तत्व हमारा आता है पानी। जल का सूत्र सब जानते हैं, H2O गैस है, वायु तत्व है। और वायु के विषय में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे अंदर की सांस है और जो बाहर की सांस है, उसे क्या कहीं से भिन्न किया जा सकता है कि यहां से अंदर की सांस है और इसके बाद की बाहर की सांस है? उसे अलग किया ही नहीं जा सकता है। हम सभी और केवल मनुष्य मात्र नहीं, सभी प्राणी श्वास श्वास से जुड़े हुए हैं। हमारे अंदर की सांस किसी और दूसरे के अंदर जा रही है, दूसरे की सांस हमारे अंदर आ रही है। इस तरह से हर क्षण हर समय हम जुड़े ही हुए हैं। इसी तरह से अग्नि तत्व आता है। अगर तापमान हम देखें अपने शरीर का, अंदर का और बाहर के तापमान को हम कहीं कोई सीमा नहीं खींच सकते हैं कि यहां से अंदर का तापमान, यहां से बाहर का तापमान। तो अग्नि तत्व से ही हम जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज आकाश, जहां जहां खाली जगह हमारे शरीर में है वो स्पेस, वो खाली जगह आकाश है। और जो बाहर है वो तो आपके समक्ष है ही, तो अंदर के आकाश को भी और बाहर के आकाश को भी कहीं से भिन्न नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम सब लोग जुड़े ही हुए हैं। चाहे आप सब लोग अपनी कितनी भी बुद्धि इस विषय में लगा लें और भिन्न करने की कोशिश कर लें, तो आप बुद्धि से तो भिन्न कर सकते हैं, लेकिन इस सत्य को टाल नहीं सकते कि हम सब लोग एक हैं, एकजुट हैं और कभी भी अलग नहीं। अगर हम अलग हैं तो अपनी वैचारिक भिन्नताओं के कारण, या किसी ने हमें भयभीत कर रखा है उसकी वजह से हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, या हमारे अंदर ईगो की परेशानी है उस वजह से हम एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। तो हम एक ही हैं, लेकिन एक ही ब्लॉकेज है। हमारे एकजुट होने में एक ही ब्लॉकेज है, और वो ब्लॉकेज हमारे यहां पर है। इस ब्लॉकेज को दूर करना होगा, और ये ब्लॉकेज दूर भी इसी से होगा। जितने सारे हमारे संविदा कर्मचारी बैठे हैं, अगर आज ये संकल्प कर लें कि हमें एक दूसरे के परेशानियों में, एक दूसरे की सुख में दुख में हर घड़ी खड़े रहना है, कैसी भी परिस्थिति हो हमें साथ साथ रहना है, तो कोई ताकत नहीं है कि हम अपनी विजय को फतह ना करें। और यही भिन्नता, यही वैचारिक मतभेद, यही ईगो हमारे शोषण का कारण है।
हमारे शोषण में, जैसे कुछ समय से पहले तक होता था कि रिन्यूअल का समय आता था, मार्च में रिन्यूअल होता था और दिसंबर से फिर चढ़नी शुरू, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, फिर मार्च आएगा, आदरणीय सीओ सर बैठे हुए हैं, मैं उनका ध्यान भी इस दिशा में आकर्षित करना चाहूंगा कि ऐसा जो भय का वातावरण है कि हमारी नौकरी ना चली जाए, हमारी संविदा समाप्त ना हो जाए, हमारे कुछ जो आयुष डॉक्टर्स हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे संविदा साथी ऐसे भी हैं जिनका उनकी नौकरी के अलावा कोई दूसरा साधन कमाई का नहीं है। इस भय से मुक्ति भी हमें पानी है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने में आती हैं कि संविदा कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगा दी जाती है, एक भी घंटा देर हुए किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पा रहे हैं अपने काम पर, या कोई ऐसा अवकाश होता है जैसे 2 अक्टूबर की छुट्टी की बात हो या कोई राष्ट्रीय पर्व इस तरह का होता है, तब भी संविदा कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। हमारे डॉक्टर पांडे जी ने रामपुर प्रकरण का जिक्र किया, रामपुर प्रकरण में जो गर्भवती महिला थी उनके पहले ही गर्भ में ही बच्चे का निधन हो चुका था, गर्भ में ही पहले से ही निधन हो चुका था, इस वजह से उस बच्चे का गला गल गया था। जो कि प्रसव के दौरान जो धड़ गले से अलग हो गया था, लेकिन सारा का सारा ठीक रहा, हमारे जो महिला संविदा साथी हैं उनके सिर पर ही फोड़ दिया गया, जबकि वहां पर वो दूसरे डॉक्टर्स की भी ड्यूटी थी और वो तो थोड़े ही दिन पहले ज्वाइनिंग हुई थी उनके डॉक्टर की, उनका थोड़ा सा अनुभव की भी कमी वहां रही। इन सभी बातों को दोस्तों मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसे समय में हमारे माननीय ठाकुर महेंद्र प्रताप जी और हमारे रामपुर जिला कार्यकारिणी के और अन्य सदस्य, स्टेट कमेटी के सदस्य, जब जब हमारे संविदा साथियों को आवश्यकता पड़ी है तब तक वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, संविदा संघ साथ खड़ा रहा है। रामपुर के एक दोस्त का, उसको निकाला जा रहा था संविदा से, उसके साथ भी हमारे ठाकुर महेंद्र प्रताप जी कई बार लखनऊ तक गए और अंततः उसके जॉब को बरकरार रखा गया। ये सभी बातें दोस्तों मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे दोस्त नए हैं, कुछ महिलाएं उनका फोन आया था गाजियाबाद से भी आई हैं और कुछ जिलों में अभी हमारी कार्यकारिणी का गठन होना है। ये सभी बातें उन सबको प्रेरित करने के लिए जो यहां नहीं आए हैं, आप सब लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है कि संगठन का साथ, संगठन की जो दर्शन है, संगठन की जो विचारधारा है, संगठन की जो आत्मा है, जो मनसा है, उसे आप सभी लोग ही पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत ही थोड़े समय में, क्योंकि राशिद जी आप लोगों ने देखा कि पीछे से कह रहे थे कि जल्दी समाप्त कीजिए, तो आप सब लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, अंत में आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।